नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो रद्द हो रही है वास्तव में, या ये सिर्फ एक अफवाह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। अगर आपके पास और कोई ब्राउज़र है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर पी भी टाइप करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पी ई भी टाइप कर दिया है मैंने। पी भी टाइप करके मैं इंटर कर रहा हूँ। आप इसे अपने पीसी या अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। पी बी टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट ही आएगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे इस पे। ये देखिए, मैंने क्लिक किया तो यहाँ इस प्रकार से एक आइकॉन आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप चाहो तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो हिंदी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे ही इंग्लिश चूज़ किया वैसे ही मेरा सामने ये प्रथम पृष्ठ खुलकर आ गया है। यहाँ पर ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये दे रखी है। इसमें पहला ही पॉइंट दे रखा है नोटिस, जो हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ये शिक्षक परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में नोटिस है। ये अगर आपको व्यवस्थित ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया गया है। इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दी है। ये विज्ञप्ति 21 दिसंबर 2018 को जो है, या ये नोटिस जो है वो 21 दिसंबर 2018 को पब्लिश हुआ था। आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा तिथियों में वृद्धि करने के संबंध में ये नोटिस है। इसका अर्थ है कि यहाँ हमारी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो कैंसल नहीं हुई है, उसकी डेट में या उसकी जो परीक्षा तिथि है उसमें वृद्धि हो गई है, और कोई काम और कोई अलग वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रद्द हो गई है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, आप किसी भी भ्रांति में नहीं आइए। आप चाहे तो इस नोटिस को पूरा पढ़ सकते हैं अपने स्तर पे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसी के स्तर पर समझा दिया है कि परीक्षा तिथियों में वृद्धि की गई है, और नोटिस में लिखा हुआ है कि परीक्षा जो है वो 29 दिसंबर 2018 से उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा शुरू हो रही थी, और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 19 जनवरी से शुरू होने वाली थी। तो अपरिहार्य तकनीक कारणवश उक्त परीक्षाओं की आयोजन तिथियों में क्रमशः 1 माह की वृद्धि की जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनमें 1 माह की वृद्धि हो गई है, यानी कि ये जो 29 दिसंबर से चालू हो रही थी ये संभावित है, अभी नई तिथियां इन्होंने नहीं दी है। देखिए, नई निश्चित समय सारणी नहीं है, ये संभावित है कि इसमें 1 माह की वृद्धि है। 1 माह से अधिक समय की वृद्धि भी इसमें हो सकती है, क्योंकि अभी करेक्ट समय सारणी इन्होंने नहीं डाली है। वो करेक्ट समय आने पर इन्होंने कहा है कि समय सारणी जो है आगामी दिनों में इसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं और इन भ्रांतियों में ना आइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, टैप द बेल, प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट।